मजा आ जाएगा भाई, बस इंडिया जीत जाए यार आज। ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस का टोन, काफी रॉयल है यार, काफी रॉयल है। तो भाई अभी इसकी होगी टेस्ट ड्राइव। सबसे ज्यादा बुरा अगर मुझे खासकर किसी के लिए लगा है तो Hey guys, good morning and welcome back to the new vlog. और आज का भी दिन भाई, तो आज हम बने हैं हमारी काशवी का घोड़ा। टिक 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 टिक, सही हूँ ना? हाँ। तो भाई आज के दिन की तो ऐसी शुरुआत हो चुकी है, पर आज का दिन ना थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग करेंगे। आज धीरे से अभी देखो मैं रेडी होता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आज हम क्या क्या करने वाले हैं और कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा। कल कर लिए अभी मैं घर से निकल रहा हूँ और थोड़ा सा आज आपको दिखाता हूँ, बहुत स्ट्रेस में हो रखा हूँ यार कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है। पता नहीं व्लॉग कब डलेगा, आप लोग कब देखोगे, बट भाई बस जीत जाए यार इंडिया, इतना मना हो, मजा आ जाएगा भाई, बस इंडिया जीत जाए यार आज। ये देख सकते होंगे, ये हमारे यहाँ का अंदर तक आप जाके देखिए, ये है, ये डीएम जी का हाउस है, डीएम साहिबा। तो यहाँ पे हमारे डीएम जो साहिबा है, तो मतलब ये भाई काफी बड़ा है, बिल्कुल जो होती है ना ग्रैंड एंट्री है वैसे वाली है। भाई मुझे ना ये अपने यहाँ की रोड सबसे ज्यादा प्यारी लगती थी, क्योंकि यहाँ पे जैसे अभी इस पे सन आ रहा है ना, जब आप आफ्टरनून में आते थे पेड़ों के बीच से निकलते हुए सन आता था, तो मुझे इस वजह से ये रास्ता काफी ज्यादा पसंद है। कुछ आगे दोस्त रहते थे, मैं उनके घर आया जाया करता था। अगली बार आऊंगा ना थोड़ा आराम से, थोड़ा तो मैं आपको दिखाऊंगा सारी चीज एक एक करके और अच्छे से दिखाऊंगा, तो वेट करिए उस टाइम का। ये मेरे यहाँ का एक मतलब एक बहुत पुराना, आप एक कह सकते हो कि मेमोरियल है लॉर्ड कॉर्नवालिस का, जो यहाँ पे थे। तो आज मैं आपको ना इसके अंदर का वो कराता हूँ। अभी तो एक्चुअली ये थोड़ा सा रेनोवेट भी हो रहा होगा, ये देख सकते हो। यहाँ दिखाता हूँ सबसे पहले आपको टॉम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, भाई ये पढ़ लेना, काफी बड़ा लिखा है। बाकी भाई अब ये देखो, ये है लॉर्ड कॉर्नवालिस का टोम। मैं दिखाता हूँ इधर ना आसपास, ये देखो लाइन से पेड़, ये सब होता था हम लोग के टाइम पे, ये पिकनिक स्पॉट होता था और लड़के लड़कियों का भी एक स्पॉट होता था, अड्डा होता था। नॉटी हो रहा के लड़के लड़कियाँ अभी भी बैठे हुए हैं, मैंने मुंह इधर कर लिया देखते देखते कि पकड़ा ना जाओ। तो यहाँ पे बैठते थे और यहाँ पे अपना आप समझ सकते हो। Yeah, मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ लाइन से पेड़ 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 पेड़। मेरे को जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो टॉम है वो आप लोगों को दिखाना है स्पेशली, जिसके लिए भाई मैं चप्पल उप्पल कोई भी चीज पहन गया हूँ, एक बार ले चल के मैं आप सबको दिखाता हूँ। ये भाई प्रॉपर एंट्री वाला वो पार्ट है, यहाँ से आप जाते हो तो थोड़ा सा रॉयल टाइप का गेट का मतलब एंट्रेंस बना रखा है, काफी रॉयल है यार, काफी रॉयल है। और भाई एक चीज़ बोली जाती है, पता नहीं मुझे 100% नहीं पता, पहले के लोग जब मरते थे तो उनके ग्रेव में ना उनके साथ बहुत पैसे हीरे जवाहरात रखे जाते थे, पता नहीं इनके बारे में ये चीज़ सच्ची है कि इनके ग्रेव पे रखी गई है। और बिल्कुल अगर आप देख सकते हो तो आपको मैं दिखाता हूँ बाहर वालों की, वो देखो ऊपर जो राजा वाला ताज वाला डिज़ाइन होता है वो रखा होना, फिर उसके बाद ये देखो। अब इस ग्रेव के अराउंड जितने पिलर्स है ना भाई, पिलर बहुत बड़ा है, मतलब ये देखो ये मेरा हाथ इतना सा रहा है ना, तो अब ये सोचो ये पिलर कितना बड़ा होगा, काफ़ी बड़ा और काफ़ी ऊंचा। अभी शायद इस वाले गेट या सेगमेंट पे अब काम हो रहा है, पहले काम नहीं हो रहा था, तो इस वाले सेगमेंट पे आप देख सकते हो कि ऊपर से भी कुछ काम वाम चल रहा है, तो ये चीज़ इन्होंने ऐसे कर रखी है। पहले तो ये पेड़ दिखा रहा हूँ, ये पेड़ बहुत यूनिक है, मुझे जो लगता है एक तो एस्थेटिक का एस्थेटिक है, यूनिक का यूनिक है। कोने में ना गेट का लोहा टूटा था एकदम कोने में, वहाँ देख सकते हो कहीं लोहा टूटा था। तो पहले ना यार हमारे पास पैसे होते नहीं थे, तो हम साइकिल या दोस्तों की बाइक स्प्लेंडर होती थी उस पे आते थे, और वो जो जंगले के बीच में जगह होती है ना उससे कूद के अंदर आ जाते थे। यहाँ पे पहले वॉशरूम नहीं था, वॉशरूम बन गए, सारी चीज़ें हो गई। तो वो सारी चीज़ें ना मेरे को अब लगता है कि यार अब लगता है कि शहर चेंज होते होते वो कितनी सही हो गई है। बाकी अब गाड़ी में बैठ गए, अब यहाँ से निकलते हैं। शुगर केन की जो डंडियाँ हैं वो लेके जा रहे हैं, शुरू हो चुका है, धीरे धीरे देख सकते हो कि भाई लोग अभी पूरे तादाद में भरेंगे यार, मतलब जितने भी घाट होंगे ना वो एक्चुअली क्या होता है कि आपको शुगर केन को ना पानी में गाड़ना होता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, आपको धीरे धीरे दिख रहा होगा छोटे बड़े इधर उधर जो भी गाँव से हो गया, ट्रैक्टर इधर उधर, मतलब भाई आपको मैं इतना बता दूं कि अब आपको दिख जाएगा, आपको औरतें दिखेंगी, बच्चे दिखेंगे उनके, और जाम भी दिख सकता है बहुत बड़ा। तो भाई अभी इसकी होगी टेस्ट ड्राइव, ये है वोक्सवैगन की वर्टस, और चलो इसकी भी एक बार टेस्ट ड्राइव मार के आते हैं, इसको भी नापते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सब लोग। वोक्सवैगन बस ये वाली जो है ना, अब नई वाली है, अब ये सिर्फ पेट्रोल में आती है, ये जीटी वेरिएंट है, ये जीटी वेरिएंट। हाँ वो तो मेरे को पता है, पीछे जीटी वेरिएंट पे सर, जीटी जो इसका वेरिएंट होता है उस पे माइलेज क्या रहती है? तो आपको शहर में 20 है, हाँ ऑन हाईवे आपको 22 से 23, 22 से 23 दे देती है। ये 3 सिलेंडर है, वो 4 सिलेंडर है। भाई एक बार साइड से देखना इसका लुक कितना अच्छा है,
इंटीरियर तो यार इसका भी अच्छा लग रहा है मेरे को। ग्लव बॉक्स आपका कूल्ड है। हाँ ठीक। और उसके बाद स्टेयरिंग आपकी टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक भी है। हाँ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों। अच्छा अच्छा अच्छा। पावर पिकअप में 1 लीटर जो टर्बो चार्ज है वो आपको 115 PS की पावर और 178 Nm का टॉर्क देगी। इसकी सर्विसिंग 15 पे होती है सर। पहली 3 जैसे फ्री होती है। फ्री है। उसके बाद आपकी सर्विसिंग कॉस्ट जो मैक्स टू मैक्स जाएगी सर वो आपको 5 से 6 हज़ार मैक्स टू मैक्स। 5 से 6 हज़ार बस। क्योंकि सर पहले क्या होता था कि जो हमारी गाड़ियाँ वो बन के आती थी फॉरन से, लेकिन अब हमारी खुद ही चकिया में है, पुणे में खुद की वो है, तो इसलिए कॉस्ट कटिंग की गई है हर चीज। मतलब वोटर्स का मेंटेनेंस कॉस्ट भी 5 से 6 हज़ार आराम से। मतलब इसके पार्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ पार्ट्स तो वही तो सर, पहले पार्ट्स इसलिए एक्सपेंसिव थे क्योंकि फॉरन से इम्पोर्ट होते थे। अच्छा हम खुद बना रहे हैं मेक इन इंडिया में। ये ना पूरा आपको ए टू जेड एवरेज स्पीड अभी 30 की ट्रिप 103 किलोमीटर। A few moments later, इंडिया के मैच की तो इनिंग ओवर हो गई और पहली बार भाई इंडिया ऑल आउट हुई है। हालांकि भाई मेरे को लगता है कि भाई बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करी है। फाइनल्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है यार। पूरे इंडिया का एक उम्मीद होती है तो एक इंसान के ऊपर प्रेशर बन ही जाता है, पर कोई नहीं, अपनी टीम में सपोर्ट करते रहना है। हाल फिलहाल के लिए जब तक ड्रिंक्स ब्रेक था आधे घंटे का, मैं अपना सामान वामान लेके ये माता जी के साथ बस लगे पड़े हैं यहाँ पे। ऑल द गुड बंगाली गर्ल्स, प्लीज़ आज बहुत ज़रूरत है आपकी, तू ना करो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर के हार जाए। फाइनली अब इंडिया मैच तो हार ही गया, पर कुछ तो ढूंढना ही पड़ता है ना। मेरी और काशवी की विक्रम वेताल वाला अपना कहानी सुबह शाम कि ये मेरे कंधों पे बैठ के जब तक नहीं घूमती काशवी सोती नहीं, तो बस अब यही करता हूँ। अब काशवी को एक बार घुमाने के बाद मैं फ्री होता हूँ, तो आप लोगों से मैं वार्तालाप करता हूँ। काशवी कुछ बोलने को नहीं है, मैं सिर्फ आज मुझे जब टीम इंडिया हारी तो मुझे सबसे बुरा ये लग रहा था कि यार मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी कंट्री की क्रिकेट टीम से। बहुत लोग अब क्रिटिसाइज करने आ गए कि आज ऐसे खेलना चाहिए था, आज वैसे खेलना चाहिए था। आज एक मैच हारने पे नफरत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पिछले बहुत हफ्ते यार, बहुत हफ्ते हमारे बहुत अच्छे बीतते हैं। सारी टीम इंडिया स्पेशली रोहित शर्मा का तो द हिटमैन का तो ये ड्रीम था कि भाई इस बार वर्ल्ड कप उठाना है। तो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा अगर मुझे खास कर किसी के लिए लगा है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी। लोगों का ये मानना है कि भाई नेक्स्ट वर्ल्ड कप में नहीं होंगे। अब देखो भाई वो तो मर्जी है या फिर वो जो तय करेगा। मैं तो भाई चाहता हूँ, मुझे ये टीम बहुत पसंद है, ये जो टीम इंडिया है। बट इतनी मेमोरीज दी है ना इस वाले वर्ल्ड कप ने, मुझे इतनी मेमोरीज दी है कि मैं बहुत खुश था आज, मैं बहुत खुश था। क्या कर सकते हैं, फैमिली के साथ मैं भी बैठ के देखा, घर में भी बहुत लोग उदास थे। भाई मेरा तो ऐसे हो गया कि आंसू नहीं रुक रहे। मैं अब देख रहा हूँ फैंस के कि घर घर की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, घर में बच्चे बैठ के रो रहे हैं। मैं स्टेडियम में लोगों को सोच रहा हूँ कि स्टेडियम में लोग शांत हो गए कि थैंक यू सो मच कि जो पल इस बार हम सारे क्रिकेट फैन ने इन्जॉय करा है, ये पास्ट जितने वीक्स में जो कमिंग मैचेज रहे वो सारे पलों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे व्लॉग ख़त्म करता हूँ यार। मैं नहीं चाहता था व्लॉग ऐसे ख़त्म, मैं चाहता था पटाखे फटे, शोर हो, चीख हो, इंडिया इंडिया हो, ख़त्म हो, लेकिन धोनी को कोई नहीं टाल सकता है। लाइक कर देना, कमेंट कर देना इस पे, लेकिन कुछ नहीं मांग रहा यार, बस संभाल लेना खुद को फॉर कमिंग डेज, संभाल लेना। मीम्स पे मीडियाज़ में देखोगे तो किसी क्रिकेटर के लिए हेट मत पालना अपने मन में, बहुत सपोर्ट करना। लव यू गाइस, थैंक यू।